वक्त दी बादशाह गालेबाल अलीकार अपने वीर मुर्तजा भुट्टो को लभदी वदी है। एक पैर जुत्ती है, दूजा पैर जुत्ती को लो खाली है। दिल च हजार वसवसे हैं, चेहरे ते खौफ है, अखी च भिरा को मिलन दी सेक के। 20 सितंबर 1996 दी रात जदा पाकिस्तान दी वजीर आजम बीबी बेनजीर अपने शेर भिरा मुर्तजा भुट्टू दी मौत दी कच्ची पक्की खबर सुन के कमले आले कार पा बजोला भजदी वदी आई। ये मंजर कराची दे इलाके कलिफ्टन च वाके अस्पताल मिड ईस्ट दा है, जिथा 42 साल दा मीर मुर्तजा अपने 4 साथियों समेत शदीद जख्मी हालत च 4 गोलियां झल के ई अस्पताल च दाखिल आई। ते उ कोई था हल्की डाढ़ी तिब्बी इमदाद दिती वेनी पई हई, मगर भुट्टू दा ए पुत्र अपनी जान दी बाजी हार कराई कई बाय जहान दे सफर ते रवाना थी गया। इन शदीद सदमे ते गम वाली कैफियत च बहुत सारे गंजलक सवाल हैं। मसलन, क्या मीर मुर्तजा भुट्टू वाकई एक पुलिस मुकाबले च अचानक मारा गए, या उकु सोची समझी साजिश दे तहत कत्ल कीता गया। ते ई कत्ल दे असल मुहर्रकात क्या हन, ते भुट्टू खानदान ही मकतलगाह च अपने सिर दी वेल क्यों देंदा है। तुसा सुनदे पए हो विजडम सागा दी नवी सीरीज सिर धरती दी वेल। मैं हाँ तुहाडा मेजबान जुल्फकार लुंड। मीर मुर्तजा दे कत्ल नाल जुड़े इंजे बहु सारे सवालात सारे चेते च ठुक ठुक लाई रख दें, पर इन्हां सवालां दी गुत्थी को खोलण जितना सौखा लगदे उतना है कह ना, क्यों जो असल कातलें दे चेहरे ओ पर्दा हटावण दा मतलब अपनी गिच्ची च नवें अजाब दा गलावां घतण दे मुतरादे फे। पिछले 24 साल कोलो स्काटलैंड यार्ड पुलिस पाकिस्तान दे तफ्तीशी इदारे अदालतां सहाफी मुख्तलिफ एजेंसियां सियासी कारकुन ते सब कोलो वध भुट्टू खानदान ई सवाल दा जवाब लभदा वधे, पर मकतलगाह दे सफाक ते प्रोफेशनल कातलें दा अज तक कहीं को पक नहीं थी सकिया। एक आम अखाण है जो कातिल कत्ल लुका नहीं सकदा, पर भुट्टू खानदान दी कहानी ई अखाण ते पूरी नहीं लांदी, क्यों जो मिकावली दा बादशाह कैमोफलाज दे हुनर च यकता है। तारीख दा एक जानदार फिकरा है, और ये इल्ज़ाम भी खुदा पर थोप दो दे मुस्दाक ए बार भी जरदारी दी कंड ते लड़ दे। वल सवाल ए भी पैदा थींदे जो ई अंधे कत्ल दा खुरा कीवें गोलिया वंजे। ई खुरे को गोलन सांगे साकू भुट्टू खानदान दी सियासी ते निजी जिंदगी दी परच परचोल करन जरूरी है। ई मंजरनामे च अज साकू असल कातिल दा नामालूम चेहरा लब सकदे। कहानी दे नाल रासो ते नामालूम कातिल दी सुजाण च अखी ते दिमाग खुला रखसो। 18 दिसंबर 1954 भुट्टू खानदान दे घर च एक छूहर पैदा थे जिंदा नाम मीर मुर्तजा भुट्टू रख्या गए। ए जुल्फकार अली भुट्टू दी पहली धी दे बाद दूजी औलाद आई ते सब कोलो वड्डा पोत्र आई। जुल्फकार अली भुट्टू दी पहली शादी 1943 च शेरी अमीर बेगम नाल थाई आई, ते दूजी शादी 1951 च कुर्द निजाद ईरानी नुसरत भुट्टू नाल। दूजी शादी चू अल्लाह सिंह भुट्टू को 4 बाल लीते, जैंदे च बेनज़ीर भुट्टू मीर मुर्तजा भुट्टू सनम भुट्टू ते शाहनवाज भुट्टू शामिल हैं। मुर्तजा भुट्टू इब्तदाई तालीम कराची के ग्रामर स्कूल चो हासिल की थी, ते वल अमरीका की हारवर्ड यूनिवर्सिटी ते बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चू आला तालीम मुकम्मल की थी। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख की बदकिस्मती शुरू थी है। ए डी तलवतने धाड़िल के दरमियान एक वाजे लकीर छेक देंदे। ई लकीर दे एक पासो आम लोग उन्हां दे मसाइल सोच ते ख्वाब वसदन, ते दूजी पासो ताकत धौंस ते जबर दा राज पाठ वसदे। 5 जुलाई
सन 77 विच पाकिस्तान दी पवित्र फौज दे सरबराह जनरल ज़िया उल हक ने मुर्तज़ा दे प्यू ते पाकिस्तान दे नामे मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो दी हुकूमत दा तख्ता उलट दिता ते मुल्क विच मार्शल ला नाफिज़ कर दिता। जदा 16 सितंबर सन 77 को ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया तो भुट्टो ने मीर मुर्तज़ा को मुल्क को बाहरों भिजवा दिता। 4 अप्रैल सन 79 को ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो को फैला दिता गया। दूजी पासों जनरल ज़िया की फौजी हुकूमत ने नुसरत भुट्टो ते बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार कर दिया ते उन्हां को तवील मुद्दत तई असीर नज़रबंद रखा गया। ई अरसे दूहें त्रिमती दुख अलम बेबसी वाला चारगी की सख्त ते कठिन कैफियत चू गुजर जा रही हाँ पर उफ ना की। भुट्टो फाही लग गया, पुत्र मुल्क बदर थी गया, त्रेमतियाँ असीर थी गया तो लकीर मजीद गहरी थी दी गई। लकीर दे एक पासो ताकतवर पेशावर कातिल जाबिर मजहबी शिद्दत पसंद कट्ठे थी गए तो दूजी पासों गरीब लाचार धरतीवास सियासी वर्कर जमहूरियत पसंद ते जबरो तशद्दुद सामण आले वाल बच्चे। ई वंड विच तारीख का बुनियादी तनाज़ा हक ते बातिल दा मारका बहु निशाबुर अंदाज विच सारी सोसाइटी विच वल खड़ा थी गया जरा कई हज़ार सालें कोलो इंसान नाल जुड़ा आंदे। ज़ुल्फ़कार भुट्टो की फांसी वेले शाह नवाज़ ते मुर्तज़ा दूहें लंदन दे एक फ्लैट विच रहंदे पए हन। इंदे इलावा दूहें बिरावें अफगानिस्तान ते शाम समेत बिन्ने बहु सारे मुल्कें दे दौरे भी किए। अफगानिस्तान च कयाम दे दौरान शाह नवाज ते मुर्तज़ा भुट्टो ने एक नवी तंजीम दी बुनियाद रखी जेको अल ज़ुल्फ़कार दे नां नाल याद किया वेंदे। आख्या ए वेंदे जो ई तंजीम बनावण दा बुनियादी मकसद ज़ुल्फ़कार भुट्टो दी हुकूमत दा तख्ता उल्टण वाले कोलो इंतकाम गिनण आई। ई तंजीम विच पीपल्स पार्टी ते उंदी ज़ैली तंजीम PSF ते बहु मुतहर्रिक किरदार अदा किया। उन वक्त के अखबारात जायजे सियासतदाने पुलिस ते सरकारी इदारे के मौजूदा ते साबिक अफसरान दी गैर रस्मी गुफ्तगु मुताबिक अल ज़ुल्फ़कार नामी तंजीम दी बुनियाद मीर मुर्तज़ा रखी है या कहीं दूजे बंदे मुल्क या ताकत इंदा वाजे पत्ता आज तक नहीं लग सकिया पर गिराउण ते ए तंजीम मौजूद जरूर रह गई है। पाकिस्तान दे रियासती इदारे ए इल्ज़ाम भी लेंदे रह गए जो ई तंजीम दे राबते अफगानिस्तान ते इंडियन खुफिया इदारे नाल भी है। अल ज़ुल्फ़कार नामी तंजीम ने मुज़ाहमत वास्ते मुसल्ला जद्दोजहद दा रस्ता अख्तियार किया। 2 मार्च सन 81 विच PIA दी एक जहाज़ PK-326 जरा पिशावर दो वेंदा पिया है उको हाईजैक करण दी जिम्मेदारी कबूल कर की थी। कराची कोलो पिशावर वन्या डाली ए फ्लाइट अगवा करके काबुल च लैंड की गई ते एक फौजी अफसर जिना नाम मेजर तारिक रहीम हई उको जहाज च कतल करके उनकी लाश को बारो रनवे ते बुका दिता गया। वाल इन्हां ज़िया रजीम को पैगाम दिता जो अगर 53 अफराद जिहड़े ज़िया हुकूमत पकड़ के जेले च बंद किए हुए हैं उन्हां को रिहा ना किया गया तो जहाज विच सवार तमाम 143 अफराद को भी मार दिता वैसी। मुज़ाकरात दा सिलसिला 13 दिन तक चलता रहा तो बिल आखिर ज़िया हुकूमत को मुर्तज़ा भुट्टो दे 53 बंदे छोड़ने पै गए। मुर्तज़ा भुट्टो का खानदान खास तौर पर उनकी धी फातिमा भुट्टो हमेशा अल ज़ुल्फ़कार नामी तंजीम दे नाल मुर्तज़ा भुट्टो की वाबस्तगी को इनकार करेंदी आई है। दूजी पासों मुर्तज़ा भुट्टो की भेण बेनज़ीर भुट्टो अपनी माँ नाल रल करें बतौर पार्टी की शरीक सरबराह सियासी जद्दोजहद को अख्तियार किया ते मुल्क दे अंदरों हर किस्म की सऊबत बर्दाश्त की। वल जदा 17 अगस्त 1988 ज़्यादा तियारा हवा च फट पिया तो दाल ही 11 साल ज़िया हुकूमत दी पाश पाश थी गई। वाल नवें सिरों इंतखाबात थे तो 16 नवंबर 1988 बेनज़ीर दी पार्टी जित गई तो बेनज़ीर ई मुल्क दी
पहली खातून वजीर आजम बन के सामने। बेनजीर दे वजीर आजम बनन दे बाद पीपल्स पार्टी च धड़ेबंदी ते मीर मुत्तज़ा भुट्टो नाल इख्तलाफ ते खबरां भी इन दौरान मंजर आम ते आवन शुरू थी गईं। बेनजीर को पार्टी दे अंदरों कुछ नाराज अराकीन या गालीं भी सुनिया पै गईं ते ओ बेनजीर ते ई वजह करो नाराज हन जो बीबी ने अपने प्यो की रविश तर्क कर दी है तो फौजी एस्टैबलिशमेंट नाल समझौता करके इकतदार को फौकीयत दी है। वह नाराज ते सख्तगीर अराकीन पुरतशद्दुद सियासत दे बदले दी भा को पानी सट्टण दी बजाय भा नाल ही विस्मावण चाहते हैं, लेकिन बेनजीर को अपनी 11 साल सीरी के दौरान ई चीज़ का चंगी तरह में इदराक थी गया है जो तलाब विच रहंदे हुए सिसार नाल डायरेक्ट भेड़ी मुल्की सियासत ते उन्दे खानदान वास्ते ज़्यादा सूदमंद कहना थी सी। ई संगे बीबी पार्लिमानी सियासत को अपना मुस्तकिल हथियार बना की था। दूजी पासू मीर मुर्तज़ा भुट्टो सियासत को एक बहरंग अंग च वरतावण दा हामी हाई उन्दा मौकफ आई जो बीबी ते उन्दे शौहर आसिफ जरदारी दी वजह कोलो पीपल्स पार्टी जुल्फकार भुट्टो वाली पार्टी नहीं रह गई। पीपल्स पार्टी दे रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल भी इन गाल को अपने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया जो बीबी ते मुर्तज़ा दे दरमियान इख्तलाफ जरूर है मगर मुर्तज़ा दी मौत कोलो थोड़ा जिहा अरसा पहले भेण भिरा दे दरमियान सियासी चपकलिश काफ़ी हद तक घट थी गई है ते दोहे पासों बे इंतहा लचक पैदा थी चुकी है। तहु बाद मुर्तज़ा भुट्टो खुद भी सियासी निज़ाम का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इलेक्शन हिस्सा गिन के पार्लिमानी तर्ज सियासत को अख्तियार कर गई था। एक लिहाज नाल ए बीबी दे मौकफ की जीत, लेकिन मीर का मिजाज ते उन्दे दिमाग भुट्टो साहब की मौत का असर उको कहीं कहीं वेले बहु बेचैन ते हिला के रख देना है। जाहिर है उन्दे पिछो एक बहु वड़ी वजह भी है ते दूजा साडे मुआशरे च पिदरशाही अपरोच पारो मर्द च पुरतशद्दुद बदले दी भावना बदरजा उत्तो मौजूद होंदी है। मुर्तज़ा भुट्टो भी ई मखमसे ते फिनोमिना कोलो मुकम्मल तौर ते बारो ना सग्या। ई पारो मुर्तज़ा ते उन्दे कुछ संगी साथी आसिफ सरदारी ते बेनज़ीर कोलो नाराज़ रहंदे हन। उन्ने दा मौकफ आई जो बीबी बाज़ वज़रा दी मुबैना बदउनवानी ते अखी बंद कीता होया हैं जैंदी वजह कोलो पार्टी दी साख को शदीद सियासी नुकसान थींदा पए। ई मौकफ को कादर पटेल रद्द करेंदे हुए आखदे बीबी ते मुर्तज़ा दी कोई जाती दुश्मनी तो हाई कायना बाकी सियासी इख्तलाफ रखण एक अलहदा गाल है। मगर मुर्तज़ा भुट्टो बीबी ते आसिफ जरदारी ते खुले आम तनकीद भी करेंदा हाई। वो चाहे कोई जलसा होवे या प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पीपी हुकूमत दियाँ पालीसियाँ को मुबैना बदउनवानी को चाई रखता है। लेकिन एक जमाना है जो मुर्तज़ा भुट्टो इंतहाई मतलूब अफराद शामिल है ते रियासत उन्हें पिछो है बल रियासत भी पालीसी विच लचक पैदा की थी ते मीर वतन वापस आ गया बकायदा इलेक्शन च हिस्सा किया। सियासत च हर रोज़ एक नवी जेहत आंदी रह वेंदी है। पीपल्स पार्टी दे कुछ सख्तगीर अनासरी सोच दे हामिल भी हन जो बेनज़ीर भुट्टो दी बजाय पीपल्स पार्टी दी कयादत मुर्तज़ा भुट्टो को करनी चाहिदी है ते भुट्टो लिगेसी दे असल जानशीन भी उवे। पार्टी दे ए अंदरूनी तज़ादात मुकम्मल तौर ते हल न थीवण पारो बेनज़ीर ने पार्टी उते अपनी पकड़ मजबूत करण सांगे अपनी मां को हटा के खुद पार्टी की क्यादत संभाल की थी। ए सियासी मूव पार्टी दे अंदरों सख्तगीर मौकफ रखने वाले लोगों को मजीद मायूस किया ते उन्हां मीर की क्यादत च पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नां नाल एक अलहदा टिंगणी बढ़ाई तो प्रोपेगंडा किया जो जुल्फकार अली भुट्टो की असल जमात इहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत की कहानी च इको एक अहम तरीन मोड़ तसव्वुर किया वेंदे तो बाज़ मुबसरीन आहदन जो ई चप कलिश को त्रीजी कुवत ने अपने मकासद की तकमील वास्ते बहु समझदारी नाल वरत्या ते भुट्टो खानदान को एक दूजे के खिलाफ खूब इस्तेमाल किया। बेलाखिर
नुसरत भुट्टू भी अपने पुत्र मुर्तजा की हिमायत का ऐलान किया ते मरण तक अपने पुत्र दे नाल खड़ी रह गई। काबुल जला वतनी दे दौरान सन 1981 मुर्तजा भुट्टू ने दर्री नस्ल नाल ताल्लुक रखण वाली अफगान वजारत खारजा दे एक अफसर की धी फौजिया फसीउद्दीन नाल शादी की, जैदे कोलो मुर्तजा की वड्डी साहबजादी फातमा भुट्टू मई 1982 पैदा थी। फातमा भुट्टू 3 साल की उम्र आई तदू फौजिया ते मुर्तजा भुट्टू अलहदगी थी गई ते मुर्तजा अपनी धी नाल शाम मुंतकिल थी गया। शाम इच मीर मुर्तजा भुट्टू की मुलाकात गनवा भुट्टू नाल थई ते सन 1999 दूहें आपस इच शादी कर गई थी। गनवा भुट्टू मुर्तजा दे अकलौते पुत्र जुल्फकार जूनियर की अम्मा है। मुर्तजा भुट्टू 18 अक्तूबर 1993 के इंतखाब विच PS-31 लाड़काना कोलो रुकने सिंध असम्बली मुंतखब थे ते जदा वह वतन वापस आए तो उकू दहशतगर्दी के इल्जाम बीबी दे हुक्म नाल गिरफ्तार कर दिया गया, पर वह बहु जल्दी रिहा थी गए ते मीर मुर्तजा ने पहला काम यह किया जो अपनी भेण के मुकाबले च अपनी सियासी कुवत को कट्ठा करन सांगे मुख्तलिफ जाहीं ते आजादाना तौर ते आवण वञण शुरू कर दिता ते अपने वफादार लोकां नाल मीटिंग्स भी कीता। इनकलाबी जहनीयत ते जारहाना अंदाज दे हामिल मुर्तजा भुट्टू सिंध असम्बली दे रुकन बनण दे बावजूद पाकिस्तान दे रियासती ते सरकारी इदारे दे हक च कदे ही कोई नरमी पैदा ना कीती ते उन्हें नाल किथाई पासे परदा या जाहरी गुस्सा ते नफरत दा इजहार करेंदे रह गए। अमली सियासत दी वजह कोलो ओ जलसे जलूस सियासी मेल मुलाकात ते अवामी इजतमात शरीक थींदे रह गए, पर जारे मिजाज मुर्तजा भुट्टू बिने सियासी रहनुमाया लिकार समझौताबाजी या मसहालाना अंदाज फिक्र कोलो बिल्कुल अणसूए हन, क्यों जो उन्दे जहन च ये ख्याल पुख्ता थी गया है जो अपने प्यू दे कातले नाल सियासी समझौते या डायलाग दी कतअन कोई लोड़ कहनी होंदी। वाल दूजे हिस्से नाल हाजिर थी सां डेदे रासो विजडम सागा दी सीरीज सिर धरती दी वेल। अल्लाह हाफिज़।